الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي المعهود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الخليل والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. आज सूरह बकरा की चौथी आयत जिसमें अल्लाह ईमान वालों की शान को उनके मर्तबे को और उनके मकाम को इस तरह बयान फरमाता है कि ये वो लोग हैं वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक यही वो मुत्तकी लोग हैं जिनकी कुरान पाक हिदायत करता है। उनकी एक सिफत यह भी है कि वो ईमान रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं जो कुछ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और उस पर भी आप वो लोग ईमान और यकीन रखते हैं जो आपसे पहले जो कुछ भी अंबियाए किराम पर उतारी गई और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। उलाई का अला हुदा मिन रब्बी यही वो लोग हैं जो सीधी राह पर है अपने रब की तरफ से। वो उलाई का हुमुल मुफ्लिहून यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जो काफर हैं सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर आंसर तो हूं चाहे ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे आप उनको डराएं अम लम तुंज़िरहुम या आप उनको ना डराएं ला युमिनून ईमान लाने वाले नहीं। ये तीन आयतें और उसका लफ्जी तर्जुमा आपके सामने पढ़कर सुनाया ताकि ईमान वालों की अलामत को मुत्तकियों की निशानी को अल्लाह ने जो बयान फरमाया है अगर 20 आधा घंटा ना होता तो बहुत से ऐसे असरार बहुत से ऐसे रुमूस जो ईमान में और ईमान वालों में मुत्तकियों में और तख्वे में जो छुपे हुए हैं वो बयान कर सकते हैं मगर जहन साइंस का है, जहन सांस का नहीं है, दम का जहन नहीं है, दाम का जहन है, इसलिए उतना ही प्रोवाइड किया जाता है जितना के उठा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा कलाम खुदा का आखिरी सच्चा कलाम खुदा का इतना बड़ा कलाम होने के बावजूद भी लोग कहते हैं उतना ही कहो जितना के समझ सके। अल्लाह ने उतना ही उतारा जितना के समझ सके। आज तक कोई समझ नहीं सका अल्लाह के कलाम को। फिर नाज़िल किया क्यों नाज़िल किया मालूम?
ताकि रसूल अल्लाह सल्लम की शान को देखते हुए वो शान का कलाम अल्लाह ने नाज़िल किया। लोगों को, उम्मत को, जमाने को, दौर को, ज़हन को, ज़र्फ़ को नहीं देखा, अपने महबूब को देखा, देखकर नाज़िल किया कलाम खुदा का कलाम। अब आइए आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको जो दी आयतों का जो मफहूम है आपके सामने सुनाएगा वो यही है وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ। ईमान का ताल्लुक उन लोगों से हर दौर में रहेगा, चाहे ईमान हम भी ईमान वाले, आने वाले भी ईमान वाले, गुजरे जो लोग हैं वो भी ईमान वाले। इसीलिए खुदा ताला ने कुरान को ऐसा मजबूत कलाम बनाकर नाजिल किया और माजी का सेगा भी इस्तेमाल किया, हाल का सेगा भी इस्तेमाल किया, मुस्तकबिल का सेगा भी इस्तेमाल किया। वल्लज़ीन काफ़रू, वो लोग जो काफ़र हो गए। तो ईमान की यही अलामत, ईमान की यही अलामत, ईमान जो गुजर गए उनका भी ईमान, जो है उनका भी ईमान, जो आने वाले हैं उनका भी ईमान। तो ये तीनों को अल्लाह ने इतना जमा किया है, इसी को शाने खुदावंदी और शाने कुरान पाक के नाम से याद किया जाता है। ईमान का ताल्लुक उन लोगों से हर दौर से रहेगा, चाहे माजी से हो या हाल से हो या मुस्तकबिल से हो, चाहे पास से हो या प्रेजेंट से हो या फ्यूचर से हो। ये मुत्तकियों की चौथी सिफत है जो बयान की गई है। क्या बयान की गई है? कहा कि यानी मोमिन, सिर्फ मोमिन नहीं, मोमिन की गिज़ा को तक़वे के नाम से याद किया जाता है। मोमिन जो मुत्तकी हैं ऐसे सिफत के मालिक हैं कि जब वो खुदा पर ईमान लाते हैं तो खुदा की तरफ से किताबें आई उन पर भी ईमान लाते हैं, हकदान का ईमान लाते हैं, और खुदा की जानिब से अंबिया आए उसमें भी शक नहीं करते, उस पर भी ईमान लाते हैं, और खुदा के हर दौर के, ये खुदा के हर दौर के हर फैसले पर बगैर सवाल करे के ईमान लाते हैं। तो ऐसों को मुत्तकी के नाम से याद किया जाता है। वो भी कैसा? मरते दम तक ईमान पर खाई रहने वाले, उनकी जिंदगी ईमान की जिंदगी, उनकी बंदगी ईमान वाली बंदगी, उनकी मौत भी ईमान वाली होती है। वल्लज़ी नहीं मिलो ना बीमा उन का, वो उस पर भी आप ईमान लाते, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा उन्जिला मिन खब्लिक, आपसे पहले जो कुछ भी नाजिल किया गया उस पर भी वो ईमान लाते हैं। ये मुत्तकियों की और ईमान की अलामत होती है। सिलसिला नबुव्वत, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है, सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिलसिला नबुव्वत को अल्लाह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला क्या था मालूम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, ये फैसला था, उस पर भी ईमान लाते हैं। सब अहम बातों को माना और हुजूर को आखिरी नबी की हैसियत से तस्लीम ना किया तो ईमान कहां रहा? सबको माना, सिर्फ एक खातमुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, गए ईमान से गए। इसलिए खुदा तआला कहता है कि वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ भी नाज़िल किया गया या आपसे पहले या आप पर, उस पर भी ईमान लाते हैं। जो आप पर नाज़िल किया गया वो क्या है? कहा कि मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये है ईमान की एक अलामत।
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, ये एक वाज़ह हकीकत है कि आप आखिरी नबी हैं। इसकी वजाहत खुद खुदा तआला ने कुरान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, ताकि हुजूर के बाद में कुरान पर ईमान लाए और हदीस पर शक रखे तो वो भी उनके नालों से भी ईमान सलामत नहीं रहता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हकीकत को, नबुवत की हकीकत को इस तरह बयान फरमाया। आप फरमाते हैं सिलसिले नबुवत हुजूर का यह फरमान, आप इसे तिर्मिजी में ले सकते हैं और इब्ने माजा में ले सकते हैं, मुस्लिम बुखारी में ले सकते हैं, सिहा सित्ता की किताबों में आप इसे उठाकर ले सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलसिले नबुवत को एक महल से तशबीह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी इस इमारत के बनाने में अपने अपने जमाने में ये एक ईंट रखता गया, आखिर में ईसा आए उन्होंने भी अपने जमाने में उन्होंने भी उस नबुवत के महल में ये ईंट रख दी। लोग हुजूर का फरमान, लोग उस इमारत को देखे, पूरी इमारत का जायजा ली, जायजा लेकर बहुत बड़ी तारीफ की, हदीस बहुत बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये कहते थे कि इसमें ये ईंट की जगह बाकी रह गई है। काश वो भी अपनी जगह पूर्ण हो जाती, यानी वो ईंट की जगह खाली जो है उसमें अगर वो ईंट रख दी जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं ही हूं, वो आखिरी ईंट मैं ही हूं। और हसन नबुवत में अब किसी और ईंट की जरूरत बाकी ना रही। अल्लाह ने ये तमाम नबी दुनिया वालों के लिए तमाम के तमाम हमेशा एक ही सच्चाई, एक ही हकीकत को पेश करते रहे हर नबी कि तमाम जहानों का रब एक अल्लाह है, ईमान। अब कुरान अपने मानने वालों को हुक्म देता है वो उन सब पर ईमान लाए, रवादारी और सच्चाई को कबूल करने की इससे आला मिसाल और क्या हो सकती है कि कुरान उनके सामने मौजूद है। कुरान बहुत बड़ी हकीकत है और कुरान का एक अर्थ भी आज तक कोई एक अर्थ को टच नहीं कर सका। बाकी का बाकी क्यों, पहाड़ पर नाजिल करते तो मिट्टी के पुतले हाथ लगाते, दिल पर नाजिल किया है मुत्तकी हाथ नहीं लगा सके तो हम जैसे खाके पुतले कहां से हाथ लगा सकते, जेर जबर में भी फर्क नहीं कर सके। हुजूर ने जो कुछ बयान फरमाया उस पर ईमान लाना, यानी कुरान पर भी ईमान रखते हैं और पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। ईमान सच्चा समझने को कहते हैं। ईमान क्या है, हर चीज जो खुदा की तरफ से आती है उसे सच्चा समझना, उसे ईमान के नाम से याद करते हैं। अमल करना ये दूसरी बात है। तौरात पर ईमान लाना, ज़बूर पर ईमान लाना, इंजील पर ईमान लाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहायक पर ईमान लाना, अंबिया की सहायक पर ईमान लाना ये अलग बात है। ईमान लाने का हुक्म दिया मगर फरमाया कि अमल करना ये दूसरी बात है। क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब उमर फारूक तौरात पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, फरमाया उमर क्या पढ़ रहे हो, कहा कि तौरात पढ़ रहा हूं या रसूलुल्लाह। थोड़ी देर बैठे, चेहरा बदलते गए, बदलता गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कैफ बदलती गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बदली। उमर फारूक पढ़ते पढ़ते देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, चेहरे में मुतग़य्युब पैदा हो गया। रसूलुल्लाह उमर फारूक ने तौरात को बंद कर दिया, बंद करके फरमाया या रसूलुल्लाह क्या हुआ, फरमाया कि उमर मेरी मौजूदगी में तौरात पढ़ते हो,
मेरी मौजूदगी में तौरात पढ़ते हो। अगर मूसा भी होते इस दौर में अपनी किताब को छोड़कर मेरी किताब पढ़ते, इसे कहते हैं ईमान। और फरमाया तमाम के तमाम आसमानी किताबें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई थी, अल्लाह ने सबको मंसूख कर दिया। क्यों मंसूख कर दिया? इसलिए मंसूख किया ताकि कुरान की तिलावत कर सके, उस पर अमल कर सके। क्योंकि एक वक्त में चार किताबों पर अमल किया नहीं जा सकता, एक वक्त में एक ही किताब पर अमल किया जा सकता है। और खूबी की बात यह थी कि तौरात, जबूर, इंजील, ये सब किताबों को उनके दौर के लोगों ने बैठकर अल्लाह की किताबों में रद्दबदल कर दिया, छील दिया। जहां जहां सख्त अहकाम आए, कहा कि ये नहीं, इसको क्या करना, अपनी तरफ से उसमें ऐड करते हुए चले गए। तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, उन किताबों को मंसूख कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की गई किताब, कहा कि ये किताब अब कयामत तक बाकी रहेगी। ये किताब किताब नहीं है, बल्कि ये मेरा खिताब बराए मोहम्मद है। मेरा खिताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मेरा खिताब है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पर बुलाकर अल्लाह ने हम कलामी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि नहीं, मैं तुझे दूर पर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तू खुद नूर है, नूर, मैं नूर और तू नूर है, आजा मेरे पास। बुलाया, बुलाकर सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन, इस तरह आपने कुरान की आयत को पेश करते हुए खुदा तआला ने हुजूर के मुकाम को बयान कर दिया, बयान करके कुरान को नाज़िल किया। ये थी وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی اور ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت سے مراد الدار الآخرہ، یعنی یہ وہ آخرت کا دار ہے، آخرت کا در ہے، یعنی मरने के बाद आने वाली दूसरी जिंदगी या आलम, इसे अल-यौमुल आखिर के नाम से याद किया जाता है। जैसे मालिकी यौमिद्दीन, मैं दीन के दिन का मालिक, मालिकी यौमिद्दीन, तो वो दिन, उस दिन पर भी वो लोग यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। क्यों ईमान रखते हैं? तो आप उसे देखो तो आपको मालूम होगा कि जो जिंदगी जिसे बाद, जो जिंदगी जिसके बाद अमल की मोहलत खत्म हो जाती है, अमल की मोहलत खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म होते ही अमल भी खत्म हो जाता है, उसको इंसाफ के दिन के नाम से भी पुकारा जाता है। आप तमाम इस बात को जहन नशीन रख ले कि दुनिया में जो कुछ किए या जो कुछ करते हैं या जो कुछ करेंगे या करने वाले हैं, उसका पूरा पूरा हिसाब और उसका पूरा पूरा जवाब देना होगा। कब? आखिरत के दिन पर। ये मत समझ लेना गुनाह कर लिए करके मरने से पहले तौबा कर लेंगे, गलत जहन है, गलत ख्याल है। क्या करना चाहिए? वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को खुदा ताला फरिश्तों से कहता है, आसमान बैठे हुए फरिश्ते हैं ना, मोहब्बत देखो रसूल की उम्मत से, देखो ये जब बुरा काम करने का इरादा करते हैं या करते हैं बुरा काम, तो ये बाएं जानिब फरिश्ते जो बैठे रहते हैं वो लेते रहते हैं अमल को। खुदा ताला ये फरिश्ते को कहता है, क्यों ले रहा है? मतलब अल्लाह तूने तो हुक्म दिया है, जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं, मेरे जिम्मे अच्छा करते हैं, इनके जिम्मे तो मैं बुरा कर रहा है, वो तो मैं लिख रहा हूँ। तौबा कर गया तो फिर बिठाना पड़ेगा, क्यों लेता है, क्यों लेता है? अब ये बुरा अच्छा काम करने वाले जो फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, जब वो इरादा करता है कि नहीं मैं
कल से तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, माँ की खिदमत करूंगा, आखिरत का ख्याल करते हुए दुनिया तक करूंगा, मैं दूसरों के तमाम तालीमात पर अमल करूंगा, सिर्फ ख्याल किया तो खुदा ताला ये फरिश्ते को हुक्म देता है लिख लो, लिख ले। तो कहते हैं अभी तो किया नहीं, कहा कि उसका इरादा मुझे पसंद आया, उसका इरादा मुझे पसंद आया। तो ये है शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्मत की शान। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हैं पूरा पूरा हिसाब और जवाब तुमको देना है होगा, मर गए तो सब खत्म, ये हमारा ख्याल मगर ये हमारी सोच। मगर दीन का उसूल ये कहता है जब तुम मरते हैं वहीं से सब शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है, खबर से शुरू हो जाता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, खबर से ही शुरू हो जाता है। मर गए होगा ऐसा नहीं, मरते ही वहीं से सब शुरू हो जाता है। इसलिए मुत्तकी लोगों की यह सिफत है कि वो हर काम करने से बेशतर, हर काम करने से पहले ये इत्मीनान हासिल कर लेते हैं कि वो काम आकिबत और अंजाम के लिहाज से खुदाई तालीमात और हिदायात के खिलाफ तो नहीं, सोचते हैं इत्मीनान कर लेते हैं ये अमल सही है या नहीं, अगर खिलाफ है तो छोड़ देते हैं, अगर खिलाफ नहीं है तो पूरे यकीन के साथ ऐसा काम करते हैं गोया तालिबे इल्म के इम्तिहान के हाल में जब स्टूडेंट उसके हाथ में इम्तिहान का पर्चा आता है तो पर्चा लेकर जो जवाब जितना एक सुई के साथ बैठकर वो जवाब लिखता है पूरी जिंदगी को तहीं उसी तरह गुजार देता है। तो उसको कहते हैं खौफ खुदा, वो इंसान जिसकी इब्तदा ईमान से और जिंदगी तक़वे से गुजारता है उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि मुझे आखिरत के दिन में कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई नाकामी का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्यों? जिंदगी में उसने ईमान के साथ गुजारा, तक़वे के साथ गुजारा, अच्छी जिंदगी गुजारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को अखीर नहीं समझा और किसी के तालुक से बुरा ख्याल नहीं किया, नीयत अच्छी रखा, सोचा भी तो अच्छा सोचा। तो अगर ऐसा करते हैं तो इत्मीनान रहता है कि हाँ मैंने पूरा का पूरा पर्चा इत्मीनान के साथ किया हूँ। अब खुद उसे यकीन हो जाता है कि मेरा जो कुछ भी होने वाला है हशर के मैदान में अच्छा ही होने वाला है। क्यों? इसलिए खुदा ताला कहता है कि वो भी लाखियती हुई उठी हो, यही वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। नेक लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं, बुरे लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनका हर लम्हा उनके लिए जान का निकाह आलम रहता है। क्या होगा कैसा होगा, क्या होगा कैसा होगा, खर्च लेने के बाद की जिंदगी कैसी होती है, बुरा काम करने वालों की भी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। अब उसके बाद में गुला इतना सब कुछ पहली आयत से अलिफ लाम मीम से लेकर अब तक इतना सब कुछ जो कुछ रास्ते से पहले उनके मरहले तय करने के बाद में ऐलान हुआ। क्या ऐलान हुआ? उलाका यही वो लोग हैं जिनके लिए सीधे रास्ते पर है ये वो लोग। कौन से सीधा रास्ता? तो कहा कि खुदा की तरफ से उनके रब की तरफ से जो मिला है वही सीधा रास्ता है। हम अपनी तरफ से तय कर लेंगे ये सीधा रास्ता गलत, खुदा की तरफ से जो रास्ता मिलता है अमल करने के बाद में रास्ता मिलता है तो वो रास्ते पर वो लोग चलते हैं, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। जैसे कुरान में खुदा ताला ने फलाह की तारीफ देखी है आपको, फलाह किसे कहते हैं? फलाह जैसा कद अफलह मुमिनून, जैसा कुरान में अल्लाह ने मोमिनों के लिए मोमिनों के ताल्लुक से फरमाया कद अफलह मुमिनून, फरमाया कि बिल्तहकीक यही मोमिन
है जो फलाह पाने वाले हैं, जो नमाजों में खुशू और खुशू के साथ कटकर एक सू होकर नमाज अदा करते हैं, मोमिन वही फलाह पाने वाले। तो नमाज में ये मोमिना मोमिनाना सबक पैदा करना, मुत्तकी बनना, रकात बांधना, उसमें खुशू और खुशू पैदा करते हुए नमाज अदा करना, फिर उसके बाद में खुदा कहता है कद अफलहा, कद अफलहा, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो इसको आप देखो फलाह के माने क्या है मालूम अरबी में, अफलहा फलाहा, उसके माने क्या है मालूम? दरअसल अफलाहा के माने, फलाह के माने चीरना, लकड़ी को जैसा चीरते हैं, चीरना या फाड़ना, भाड़ने को और चीरने को अरबी में फलाह के नाम से याद किया जाता है। काश्तकार जो काश्तकारी करते हैं उनको भी फलाह के नाम से याद किया जाता है, फलाह, क्योंकि वो जमीन को खोता है, हल के जरिए से चीरता है, उसमें बीज बोता है, फिर उसके बाद में बीज बोने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में जमीन चीरते हुए, जमीन चीरते हुए पौधा बाहर निकलता है। किसान काश्तकार उसको देखता है, जो नजर आता है उसी को फलाह के नाम से याद किया जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मोमिनों के अमल को, ईमान की खेती करने वालों को किताबों से फरमाया कि यही मुत्तकी है, मुत्तकी की नजर जब तुम पैदा करेंगे खुद तुम्हारा अमल तुम्हारे सामने आएगा। कब आएगा मालूम? हम युखिरून, आखिरत में नजर आएगा। अमल यहाँ करना पड़ता है और कल तुमको आखिरत में मिलने वाला है। इसलिए फलाह का लफ्ज खुदा ताला ने इस्तेमाल किया है और फलाह को आखिरत से मिलाया है। वहुम बिल आखिरती हुम युखिरून, यही वो लोग हैं जो आखिरत में फलाह पाने वाले हैं। अब इन तमाम बातों को सुनने के बाद में जो लोग आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाते हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अब इनके चार दर्जों को या पांच दर्जों को बयान किया गया है, उनका आखिरा, उनका इत्तेहाद, ईमान बिल-गैब पर होना, अल्लाह ताला से अमली तौर पर नमाज कायम करते करते हुए अपना ताल्लुक हमेशा के लिए खुदा से जोड़ लेना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उसकी राह में खर्च करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी, कुरान को अपना इमाम, मेहदी माऊद अलैहि सलाम को अपना इमाम और रहबर, बाद रसूल ईमान रखना, तस्लीम करना, जजा और सजा के दिन पर भी यकीन रखना। ये था ईमान यकीन और मुत्तकियों के नाम से। अब छठी जो आयत है वो छठी आयत इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। अब इस सुनते जवाब आपको मालूम होगा, बेशक वो लोग काफर हैं, बेशक वो लोग काफर हो चुके हैं, बराबर है ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में खाह आप डराए या ना डराए, ला युमिनून ईमान लाने वाले नहीं है। कुफर यानी किसी चीज को छुपाने को कुफर के नाम से याद किया जाता है। काफर को काफर इसे इसीलिए कहते हैं कि वो हक को और हक बात को छुपाता है, इनकार करता है, झुठलाता है। कब? देखने के बाद, जानने के बाद कि यहाँ ये हक है। कुरान में तो खुदा ने फरमाया है कि ये लोग तो रसूलुल्लाह को ऐसा जानते हैं गोया कि अपने बेटों को जैसा जानते हैं, उससे ज्यादा पहचानते हैं रसूलुल्लाह को, मगर ईमान नहीं लाते। उन्हीं लोगों को खुदा तआला काफर के नाम से याद किया जाता है। अब हुजूर की सबसे बड़ी, देखो इन्नल्लज़ीना कफरू के तालुक से हुजूर की सबसे बड़ी आरजू यही थी कि सब लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाए। इस आयत में आपको यह हकीकत बता दी गई है कि आप खा कुछ करें
या ना करे, आप उनको जो कुछ भी उनके सामने मौजज़ों को पेश कर दो, कुछ भी करो, ये आपको पहचानते हैं। और मानने की, सुनो, मानने की खुवत को जाया कर चुके हैं। मानने की खुवत थी, उसको उन्होंने वेस्ट कर दिया, मानने की खुवत को वेस्ट कर दिया। आप उनको डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये खबर फैसले की सूरत में नहीं है, बल्कि उनके मुसलसल सदियों से इनकार और मुखालिफत के नतीजे का इजहार का खुदा की तरफ से ऐलान है। खुदा की तरफ से बरसों, हर सदियां गुजर गए, नबियों को भेजा, ईमान नहीं लाए। सदियों को देखने के बाद में खुदा ताला ने कहा है, नहीं, ये अभी में ईमान लाने की कुव्वत नहीं है, खुद ये ईमान लाने की। क्यों? अल्लाह ताला ने हर शख्स में, ये सुनो, अल्लाह ताला ने हर शख्स में हक को कबूल करने की सलाहियत रखी है, लेकिन वो जाती फायदों को मद्देनजर रखते हुए कोताह नजर से, गलत तालीम, बुरी सोहबत की वजह से सच्चाई की मुखालफत करते हैं, और उनमें हक कबूल करने की खुवत रफ्ता 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 खत्म होती हुई चली जाती है। खुदा तआला का पैगाम, ऐ रसूल, आप उनको आखिरत के अज़ाब के तारों से डराओ, खबर के अज़ाब के तारों से डराओ, दोज़ख के आग के तारों से डराओ, जितना भी डराओ, जितना हो सके डराओ, डराएं, वो ईमान को कबूल नहीं करेंगे। आप उनके ईमान लाने की, देखो, खुदा तआला रसूल के दिल की हालत को बयान कर रहा है, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ईमान लाने की फिक्र ना कर, उनसे ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि ये लोग नूर को जुल्मत पर छुपाते हैं, अब नूर छुप गया उनके दिल से, दिलों में छुप गया, अब वो ईमान लाने वाला नहीं है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हस्ती को देखा, देखकर भी ईमान नहीं लाए, चांद दो टुकड़े होते हुए देखा, ईमान नहीं लाए। इसलिए कहते हैं इन्नल लज़ीन कफरू, हुजूर जैसी हस्ती को देखा, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम, ईमान नहीं लाए। क्यों? इन्नल लज़ीन कफरू सलाहु अलैहिम अंज़लतहु हम लम तुज़िल ला युमिनून। ये आज के लिए छः आयतें आपके सामने अब तक बयान किया गया, तो आप जो है उसे इत्मीनान के साथ सुने हैं। आप तमाम दाता शुक्रिया अदा करता है, और अल्लाह से यही दुआ करता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और फ़कीर की खिस्मत में थोड़ी थोड़ी खिदमत करने का जो मेरे आशिकीन ने, मियाँ के आशिकीन ने, मुर्शिद के आशिकीन ने फ़कीर को जो मौका दिया, उस तरह से शुक्रिया अदा करता है। और फ़कीर यह चाहता है कि तुम जब तक अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे, तुम्हारी जिंदगी की किताब समझ में नहीं आएगी। अल्लाह की किताब को समझो, उसमें अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े हकीकत को बयान किया है, बहुत बड़े बड़े इंसानों की हकीकतों को बयान किया है, अगर पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। इसलिए फ़कीर चाहता है कि तुमने तो हर इंसान के हर दौर के बड़े बड़े इंसानों के, साइंसदानों के लिखी हुई किताबों को पढ़कर कुछ ना कुछ बने। हम चाहते हैं कुरान पढ़कर ईमान वाले बन जाए, यही हमारी तमन्ना है। छह आयतें आपके सामने सुनाया, अल्लाह हम सबको धीरे धीरे, जब आती है एक घुट अंदर जाता है तो उसका असर होता है, एक आयत अंदर जाए कि उसका असर नहीं होगा। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, समझने की सलाहियत अता फरमाए, कबूल करते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वा अखु दवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।